दोस्तों, मैं विमल ठाकुर, मेरे चैनल विमल क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ये चेक्स भी मिलाऊंगा इसके, और एक कोट की कटिंग करने जा रहा हूँ। इसका जो मेजरमेंट है दोस्तों, 38 इंच का सीना है, 38 इंच का पेट है, और 28.5 इंच की लंबाई है, 17 इंच का तीरा है, तीरा कम है इसका, और 23 इंच इसके स्तन की लंबाई है। 38 सीना, 38 पेट, 28.5 लंबाई, 17 तीरा, 23 अस्तीन की लंबाई। दोस्तों, शुरू करता हूँ। दो बटन साइड कट का कोट है। सबसे पहले एक हम निशान लगा लेंगे, बेस निशान जो सब पे लगाया जाता है। ये देखिए, यहाँ से लगभग 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब दोस्तों, एक ये 28.5 इंच हमने निशान लगाया, यहाँ से 1.25 ऊपर एक निशान लगाएंगे, और ये 28.5 इंच पे एक निशान लगाया, और 1.5 इंच पे ऊपर निशान लगाएंगे। 38 इंच का सीना है, यहाँ से रखो 1.5 इंच, तो 9.5 इंच पे एक निशान लगाइए, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर, और 17.5 इंच कमर का निशान लगा दीजिए। एक देखिए, यहाँ से 1.5 इंच, जिसे स्केल पे नहीं, इंच टेप पे काट रहा हूँ। अक्सर करके लोग कहते हैं आप इंच टेप की, वो बताइए, तो मैं इंच टेप पे काट रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ 1.5 इंच पे एक निशान लगाया, यहाँ 8 इंच चौथाई ले लीजिए, 9.5 इंच और 17.5 इंच पे कमर का निशान लगाया। ये निशान सीधे उठा लीजिए। जब ये निशान बिल्कुल सीधे उठेंगे तभी चेक मिलेंगे। चेक का कोट है ये देखिए आप। चाकनी बना रखा है बेटा। यहां से लगभग 1.5 इंच पे एक निशान लगा दीजिए, और यहां पे आप 1.5 इंच पे एक निशान लगाइए, ये क्रॉस कर दीजिए, और यहाँ पे लगभग 2 सूत इसमें राउंड दे दीजिए। एक निशान लगाइए, मैं ये कोट को इंच टेप पे काट रहा हूँ। लगभग 3 इंच पे एक निशान लगा दीजिए हाले का, और यहाँ थोड़ा डाउन करके ये लगाइए निशान। 17 इंच का तीरा है, तो ये 8.5 इंच आ गया, और 0.5 इंच दबाओगा। ये देखिए, यहाँ से निशान लगाइए, 10.5 इंच आया, इसको यहाँ देखिए 10.5 पे रखिए, पीछे की साइड इंच टेप, ये देखिए 10.5, जितना यहाँ इतना लगाइए, और 1 इंच पे एक निशान लगा दीजिए हाफ बैक। अब दोस्तों देखिए, जितना ये निशान आता है, हर वीडियो में पहले ही बता रखा है, ये आया 8 इंच, तो 1.25 इंच कम पे एक निशान यहां लगा दीजिए, लेकिन इसकी हिप ज्यादा है, इसकी हिप है 41। तो दोस्तों, ये सीधा फंडा है, हिप इसकी हिप ज्यादा है, ये चीजें विशेष ध्यान रखते हैं। ये 8 इंच आया है, तो यहां से मैं 1.25 इंच ना करके 0.5 इंच कम कर रहा हूं। ये देखिए, ये तो 1.25 इंच कम सीधा, और सीधे आप बीच के ये निशान इस तरीके से लगा दीजिए, ये देखिए, और यहां से ये चाक का निशान लगाइए लगभग 1.25 इंच पे, और 7 इंच का एक चाक रख देंगे इसमें हम, और इस निशान को लगभग 0.5 इंच हम बाहर ले लेंगे। ये देखिए, इस निशान को यहां मिला दीजिए, और इस वाले निशान को थोड़ा डाउन में लेंगे इस तरीके से। ये मेरी बैक की ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। सीरियल नंबर डाल देता हूँ, 4758 मेरा कोट का नंबर है। अब दोस्तों, ये धारी जरूर देख लेना, पता लगा। ये देखिए, धारी मैंने मिला दी है इसकी, और ये चीज देख लीजिए, ये कहाँ हमारी आ रही है, क्योंकि इसके बाद में पहले कटिंग शुरू करने जा रहा हूँ।
गोविंद, कैसा लड़का है ये, कितनी एज है इसकी? आदमी है, लूजी कटेगा है। चेक में दोस्तों एक चीज और ध्यान रखा करो, एक रुखा चेक होता है कई चेक, ये एक रुखा चेक नहीं है, बहुत चीजें देखी जाती हैं कटिंग में। नाप ढीला ले रखा है दोस्तों। पहले मैं इसकी यहां से आस्तीन काटता हूं, लेकिन आपको बताना है तो इसलिए मैं इसकी बैक काटने जा रहा हूं, फ्रंट काटने जा रहा हूं, नहीं तो मेरी आदत है मैं पहले यहां से आस्तीन काट लेता हूं। यहां से 38 इंच में चेक वाला कोट है, नहीं निकलेगा ये साइड चाक वाला। सबसे मेन है ये वाली धारी मिला दीजिए आप, फ्रंट में की धारी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। ये देखिए ये हमने धारी मिला दी है, ये धारी मिल गई है। यहां से कोने इस पे निशान लगा दीजिए, अब इसको इस तरीके से रखिए, लगभग यहां से 1.5 इंच छोड़ दीजिए और इन निशानों को आप सीधे उठा लीजिए। निशान हमने उठा दिए हैं, अब देखिए ये नाप लीजिए सब, कमर आई हमारी 7 इंच, ये आया हमारा 8 इंच और ये आया हमारा 6.25 इंच। तो देखिए अब इसे बिना उठाए ये 8 इंच आया, तो यहाँ 8 इंच आप इसको निकाल दीजिए और 38 इंच हमारा इसका सीना है, तो ये देखिए 19 इंच और थोड़ा लूजी मांग रहा है, तो 5 इंच यहाँ से रख दीजिए आप आगे ऐसे ही। ये देखिए ये आया हमारा 7 इंच, तो यहाँ से रखिए आप 7 इंच, 38 इंच इसका कमर है और कमर से बढ़ाइए आप, यहाँ से 5 इंच हमने बढ़ाया है, यहाँ से बढ़ाइए आप 4 इंच। अब दोस्तों देखो जितना ये यहाँ से आया है ये आया हमारा 16 इंच, तो एक निशान 16 इंच में यहाँ लगाइए आप। और दोस्तों इसकी हिप ज्यादा है, नहीं तो मैं इसको 1.5 इंच रखता, तो इसलिए मैं 1.25 इंच रख दे रहा हूं यहां से। ये देखिए आप ये हमारा 6.25 इंच आया, ये बाद में हमारे काम आएगा, इसलिए इसे मैंने नाप दिया। इसको लूजिंग के हमने निशान लगा दिए, फिर आपको समझाता हूं। ये देखिए यहां से हमारा 7 इंच है, यहां से हमारा 8 इंच है, ये 8 इंच बिल्कुल सिंपल और साधारण कटिंग बताता हूँ, बहुत आसान। ये 8 इंच ये लगाया, ये 19 × 38 हमारा सीना है, यहाँ से 5 इंच हमने आगे बढ़ा दिया, यहाँ से 7 इंच का हमारा 7 इंच हमने बढ़ाया और ये देखिए 19 इंच कमर भी इसकी 38 इंच है, तो 19 रखा, यहाँ से हमने 4 इंच आगे बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, हिप नापने की जरूरत नहीं है कुछ भी, जितना ये यहाँ ये देखिए आप 16 आया, यहाँ से 16 रख दीजिए, इसकी हिप थोड़ी ज्यादा है तो 1.25 इंच मैंने आगे बढ़ाया, नहीं तो 1.5 इंच बहुत होता है, लेकिन इसके हिप में और सीने में फर्क है। ये 6.25 इंच आया, बाद में हमारे काम आएगा। देखिए ये निशान उठा लीजिए,
बिल्कुल सिंपल और साधारण कटिंग स्केल पे नहीं काटा है मैंने कोट, क्योंकि मेरे को कुछ कमेंट आए थे कि आप हमें इंच टेप से भी बताइए, तो मैं आपको इंच टेप से बता रहा हूँ। अब ये देखिए 38 इंच है हमारा, तो ये देखिए चौथाई 38 मैंने रख दिया है। यहां से 1 इंच कम कर दीजिए, इसको तख्ती का निशान बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ये निशान यहां से आया हमारा 8.5, तो 8.5 मैंने यहां से रख दिया, और 4.25 इंच पे एक हमने ये निशान लगाया, इसका और इसका आधा। इन निशानों को आप सीधे उठा लीजिए, ये देखिए, और यहां से 1.25 इंच पे एक निशान उठाइए। हमारा वो 6.25 इंच आया था, तो इसको हम रखेंगे 6 इंच। यहां से लगभग 2 सूत नीचे, और इस निशान को आप ये उठा लीजिए, और इस निशान को यहां मिला दीजिए आप, और ये आप एक राउंड दे दीजिए यहां तक। अब देखो दोस्तों, ये लगभग सीधा आ गया, तो अब हम अंदर तो शेप दे नहीं सकते, क्योंकि कमर इसकी 38 है, तो इसकी हमने शेप देना भी जरूरी है। तो दोस्तों यहां से मैं 1/4 इंच इसको आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ये 1/4 इंच में डट में कवर करूंगा। अभी देखिए, ये मैंने 1/4 इंच हमने इसको आगे कर दिया, ये निशान हमने ये लिया, देखिए 38 ही ना, 38 ही पेट है इसलिए, और इस निशान को हमने ये मिला दिया यहाँ पे, और यहां से लगभग 2.5 इंच मैंने लिया है, और इस निशान को आप इस तरीके से लगाइए, और ये अपने 1.5 इंच 1/4 इंच दबाव रख दीजिए, दबाव बहुत जरूरी होता है। ये देखिए आप, और इस निशान को इस तरीके से, क्योंकि यहाँ तक 7 इंच तक हमारा चाक आएगा, इस निशान को आप लगभग 2 सूत नीचे लीजिए, और ये इसका शेप दे दिया है। अब दोस्तों यहां से 1 इंच हम नीचे लेंगे, सामना बड़ा होता है कोट का, बैक छोटी होती है, 1 इंच हमने ले लिया। यहां से हम निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे, और यहां से 9.5 इंच पे हम जेब का लगा देते हैं, और यहां से एक निशान हम लगा देंगे 4.25 इंच पे, 4 4 सब चल जाता है। अच्छा, अब यहाँ से करीब 1/2 इंच ऊपर हम ये नपेल का निशान लगाएंगे। ये देखिए आप, जितनी हमें नपेल रखनी है, मान लिया हमें नपेल इसकी 2.75 इंच रखनी है, तो 3.5 इंच वो 2.75 रखनी है इसकी नपेल, तो 3.25 इंच पे निशान लीजिए, और यहाँ से आप 3 इंच पे निशान लगाइए, और इस निशान को आप यहाँ मिला दीजिए, और ये देखिए ये हाला बन गया हमारा, और इस निशान को आप, ये जो 3.25 रखा है, 2.75 तैयार आ जाएगी नपेल, यहाँ मिला दीजिए, गोलाई दे दीजिए अच्छी सी, ये देखिए आप। अब दोस्तों लगभग 4.25 इंच पे एक निशान लगाइए, मैं स्केल से यूज कर रहा हूँ, लेकिन लगभग 4.25 इंच पे एक निशान लगाइए, ये देखिए इस निशान से, और यहाँ से हम 6.5 इंच जेब का मुंह रख देते हैं, और ये देखिए लगभग 1.5 इंच 1.25 इंच के फ्लॉप इसमें लग जाएंगे। यहां से गोल है, तो यहां से भी इसको गोल कर देंगे हम, ये हमने गोलाई दी थी, इसको हम यहाँ मिला देते हैं, और ये हमने 1 इंच बढ़ाया है, इसको हम यहाँ मिलाएंगे, ये देखिए आप। अब इस वाले निशान को हम यहां लेंगे, और ये थोड़ा हटा के इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये हमने जो आगे 1/4 इंच बढ़ाया था, अब इसको हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक कमर की शेप दे देता हूँ कोट में मैं, ये देखिए आप, ये मैंने कमर की शेप दे दी है, बहुत जरूरी है कमर पकड़ना कोट, यहां से शेप देने से कोट कमर नहीं पकड़ेगा इस डट को निकालने से। अब देखिए 1/4 इंच हमने वो दी थी है यहाँ पे, तो ये 1/4 इंच मैंने ये कवर कर दिया है इसका, और लगभग इसको यहां मैं मिला दूंगा,
एक डट इसमें हम यहां लगा देंगे और ये देखिए यहां से लगभग 1.5 इंच पे लीजिए आप और ये 1.25 इंच क्रॉस करके पॉकेट का मुंह लगा दे बना देंगे। ये ऊपर की जेब हो गई हमारी लगभग 1.25 इंच की। देखिए इसके और इसके बीच में आनी चाहिए डटी है, छोटी छोटी चीजें हैं। अब देखिए जब मैं इसकी कटिंग करूंगा आस्तीन काटूंगा तो मैंने ये निशान देख लिया है, यहां से ये जो निशान आ रहा है 1/2 इंच हम ऊपर ले लेंगे। जब धारी मिलाऊंगा मैं देखो सबसे पहले से चेक भी कर लेते हैं, धारी इसकी एक्यूरेट मिल गई है, धारी फर्स्ट क्लास मिली हुई है इसकी, ज्यादा क्रॉस नहीं है। कटिंग शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको हम आगे ही काटेंगे, इधर तो नपेल का आता है ये, जो 1/2 इंच हमने इधर हाले से निशान लगाया है। एक निशान लगाना मैं भूल गया, आपको समझा देता हूं। ये जो मैंने यहां से नीचे की तरफ काटा है ये जो कवर होगा यहाँ पे डट आ जाएगी, इसीलिए नीचे निशान लगाते हैं। ये देखिए ये यहाँ से इतना निकल जाएगा तब ये यहाँ से ऊपर आ जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इनका बहुत असर पड़ता है कोट बनाने में। तो एक नॉलेज की बात बताता हूँ, जब हम पेंटे सिलते थे तो ग्रेसी बोलते हैं जो काटते हैं आगे ग्रेसी काटा करते थे। आजकल के कारीगर बेचारे जानते ही नहीं है, जेंट्स पैंट में अगर वो ना काटी जाए ग्रेसी तो पैंट सही नहीं बैठती है, लेडीज पैंट में नहीं काटी जाती है वो। ये देखिए आप, ये मैंने कमर बना दी है पैंट की, वो हाँ ये शेप दे दिया मैंने, और जो मैंने 1/2 इंच आगे बढ़ाया था उसको गुल्ला बोलते हैं टेलर की भाषा में, ये मैंने ये निकाल दिया यहाँ से। और ये देखिए आप इस तरीके से निकला है, ये फर्स्ट क्लास आएगा कोट। ये निशान जरूर देख लीजिए, आस्तीन काटते हुए बताऊंगा नहीं, ये निशान इस धारी पे हमारा, यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे यहाँ हमारी आस्तीन जुड़ेगी। अब दोस्तों इसकी आस्तीन काटने जा रहा हूं मैं, सबसे पहले इसकी धारियां मिलाइए, इधर से ठीक है ये धारी मैंने मिला दी है। तो पहले हम एक ये निशान तो उसको छोड़ के लगा देते हैं, यहां से हम करीब 1 इंच का एक निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम एक ये वाला निशान लगाते हैं, देखिए हमारा इस जगह पे निशान आया था, ये इस वाले पे ये निशान था हमारा कोट के सामने में, जो हमारा चेस्ट का निशान आया था ये, यहां से लगभग 1/2 इंच आप ऊपर ले लीजिए। ये देखिए ये मैंने एक निशान उठा लिया है। अब दोस्तों देखो ये हमें कितना उठाना है, अब मैं हमेशा स्केल से ही ज्यादा काटता हूं तो लगभग 6.5 इंच हमने इसको ऊपर उठा दिया है यहां से। ये देखिए
इस निशान को आप सीधे उठा दीजिए और ये हमने 9.5 इंच इसका जो मुड्डा गिराया था 9.5 इंच यहाँ से हम इसको रख देंगे 9 इंच बहुत आएगा ये, आधा इंच कम रखा है मैंने, नहीं तो ये अस्थि नीचे कैसे चौड़ी हो जाएगी, मुड्डा 9.5 गिराया तो इसको हमने चौड़ाई 9 इंच रखी है। अब यहाँ से एक निशान 1.5 इंच पे एक निशान लगाइए, यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाइए, फिर आगे 3 इंच पे एक निशान लगाइए और इस निशान को आप यहाँ मिला दीजिए और इस निशान को आप इस वाले निशान से आधा इंच नीचे ले लीजिए। ये जो हमारा 1.5 इंच वाला निशान है ये देखिए आप 23 इंच इसके आस्तीन की लंबाई है, तो ये 23 इंच मैंने रख दी है, 23 इंच रख दी है। देखो दोस्तों एक आसान तरीका और मैं इसका हिसाब बताता हूं आपको, क्योंकि मेरे को तो स्केल की ज्यादा वो है लेकिन आपको मैं सही ढंग से नहीं समझा पाया, अब मैं सही ढंग से समझा रहा हूं। जितना हमने मुड्डा गिराया होता है इसकी चौड़ाई 1 इंच छोड़ के आगे आधा इंच कम रख दो, 9.5 गिराया तो इसकी चौड़ाई 9 इंच रख दीजिए आप, ठीक है दोस्तों। अब ये 9 इंच हमने इसकी जैसे चौड़ाई रख दी, अब ये वाला निशान हमने कैसा लगाया तो इसका जो इंचडेप वाला हिसाब है इसको और इसको आधा कर दो, ये 4.5 इंच आया, ये देखिए ये बहुत पहले मैं काटता था अपने फादर के टाइम पे, इधर से आप 1.25 इंच हटाओ और इधर से 1.25 इंच डेढ़ 1.25 इंच हटाओ, ये बीच के निशान से इधर 1.5 इंच और इधर 1.5 इंच 1.25 इंच ये हिसाब बहुत आज ये जो मैंने आपको बताया है कभी बहुत पहले मैं इसी तरीके से काटता था। और यहां से देखिए 1.25 इंच का इसमें 3 सूत इधर 3 सूत इधर हम क्रॉस कर देंगे और ये देखिए आप यहां से आप रखिए 1.25 इंच और 38 इना है 5 इंच इसकी मोहरी बहुत है और इस निशान को आप यहां मिला दीजिए और इस निशान को आप यहां मिला दीजिए और ये क्रॉस कर दीजिए इसको, ये लगभग 2 सूत का एक शेप दे दीजिए यहां पे और इसकी गोलाई ये देखिए आप, मैंने इसकी गोलाई दे दी है यहाँ से, इसका मैं कमी रख रहा हूँ छोटा साइज है, यहाँ से 1.25 रखा है, यहाँ 2.25 रख दिया मैंने क्योंकि इतना हम ताल छोटा काटेंगे। अब इसकी धारी मिला ली, देख लीजिए आप धारी एक्यूरेट मिली भी है इसकी, ये कटिंग में कर देता हूँ, ये देखिए किसी के कहने पे मैंने ये बिना स्केल के इंच टेप से काटा है, ये तो दोस्तों मेरे को जो आदत है केवल और केवल स्केल से काटने की है, ऐसे कई बार कमेंट में कहा गया कि इंच टेप से बताइए, देखिए जैसे अब नजरें बना देती हैं, ये राउंड सही नहीं है तो ये राउंड मैं इससे दे देता हूँ, ये खिंच जाएगा कोट यहाँ से, ये देखिए अब ये सही आएगा, ये कटिंग करते करते आइडिया हो जाता है कहाँ निशान सही लगे हैं कहाँ नहीं लगे हैं, ये देखिए दोस्तों देखो मेरा चाक कहाँ था निशान कहाँ कटिंग करी है मैंने, कैंची चलेगी नहीं गलत। अब देखिए इसका एक पल्ला हम ले लेंगे और इसको हम पलट लेंगे, ये पलट दिया मैंने इसको कपड़े को, ये धारियां जरूर मिला लीजिए, मिला लेना देखो ऐसे मिलेगी इसकी धारी, ये पूरा ये ऊपर को कर देंगे इसको,
अब ये धारी इसकी मिल गई, मैंने पूरा धारी मिला के कोट काटा है। अब कारीगर की बात है कि वो इसको खिसकाए ना, और कपड़ा बहुत है इसमें। ये रख दिया हमने, ये धारी मिला दी हमने। देखिए ये धारी मिलनी जरूरी, इधर की नहीं मिलेंगी धारी, ये धारी मिलानी बहुत जरूरी है। अब देखिए यहीं से काट देता हूँ मैं इसको, ये बराबर हमने काट दिया है। अब जितना हमने सवा दो लगाया, यहाँ से पौने दो लगाया, इसको खिसका दीजिए नीचे को, ये खिसका दिया इसे। इसको मैं दोस्तों मैं यहाँ दबाव रखूँगा, क्योंकि मेरे हाथ का नाप नहीं लिया हुआ है, ये लूज टाइट करना पड़ जाए। ये देखिए अब ये निशान उठा लीजिए आप पहले, ये कोहनी तक निशान उठाना है हमने, और कोहनी के बाद इसको हम पौना इंच की यहाँ पे अंदर की साइड ले लेंगे। ये देखिए पौना इंच, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इस निशान को यूँ लगा दीजिए, रफ निशान है ये, और ये कोहनी के निशान से पौना इंच इसको इस तरीके से आप अंदर ले लीजिए, और ये पकड़िए और इस निशान को आप उठा लीजिए। अब देखिए यहाँ हमने दबाव रखना है इसमें, तो इसको बराबर यूँ फैला लीजिए, और यहाँ से इसको ये काटा मैंने, और यहाँ से इसमें हम लगभग पौना इंच का एक दबाव रख दे रहे हैं इसमें। ताकि लूज टाइट अगर कुछ करना पड़े तो हम इसे कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसको ये उठाइए, यहाँ तो हमारा यहाँ जुड़ेगा ये, और यहाँ हमारा ये ऐसे जुड़ेगा ये। देखिए ये मिला दिया हमने, यहाँ से आप लगभग 2 सूत ऊपर एक निशान लगाइए, ये 2 सूत, और इसको उठाइए इस तरीके से, और ये पलट लीजिए, और इसको ये देखिए आप इस तरीके से ताल की गोलाई दे दी मैंने, और ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। जहाँ बैठेगा कारीगर बैठा लेगा, थोड़ा इधर को काटना पड़ेगा थोड़ा मुझे, नहीं तो ये फिर कारीगर को बैठाने में दिक्कत आ जाएगी। और इसको हम फैला देते हैं। दोस्तों मेरी कटिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।